अर्जुन और उलूपी का प्रेम। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी जल परी थी और उसी ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से श्रापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया था। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार यानी गंगा द्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट आई। जाते समय उसने अर्जुन को ये वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलने से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया था और इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी क्यों रहे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।